शनिवार की सुबह राजधानी देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब ये खबर सामने आई कि देहरादून के विद्या विहार में डबल मर्डर हुआ है। जानकारी ये मिली कि आरोपी ने दंपति को तवे से वार करके मौत के घाट उतार दिया। मृतक दंपति की सपना और बबलू के रूप में हुई है। बता दें कि 18 फरवरी की रात को पुलिस को सूचना मिली कि विद्या विभाग विहार में एक व्यक्ति ने दो लोगों का मर्डर कर दिया है। पड़ोसियों ने ये बताया कि उनके ऊपर वाले फ्लैट से काफी देर से कुछ आवाजें आ रही थी। शोर शराबा सुनकर जब उन्होंने फ्लैट की घंटी बजाई तो अंदर से एक शख्स बाहर आया। वो खून में लथपथ था। उसने बाहर खड़े लोगों से ये कहा कि इस फ्लैट में जो लोग रहते हैं मैंने उनकी हत्या कर दी है। इतना कहकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन जैसे तैसे पड़ोसियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन लगा दिया। खबर मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो आरोपी फरार हो चुका था और काफी देर तलाशने के बाद आरोपी घटनास्थल से कुछ दूर नाले के पास पकड़ा गया। पुलिस ने ये जानकारी दी कि आरोपी शराब के नशे में धुत था। पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपी घटना की रात यानी शुक्रवार की रात को अपने कुछ साथियों के साथ सपना और बबलू के फ्लैट पर शराब पी रहा था। तभी उसने महिला से कुछ आपत्तिजनक बातें कही जिसके चलते वहां झगड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी ने महिला और उसके पति को तवे से ताबड़तोड़ वार करके मौत के घाट उतार दिया। खबर ये मिली है कि दंपति सपना और बबलू से आरोपी को कुछ पैसे लेने थे। इसके साथ ही आरोपी के सपना के साथ अवैध संबंध भी थे जिसके चलते डबल मर्डर हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को ये बताया कि पहले सपना बबलू और वो एक साथ ही लालपुल के पास एक मकान में रहा करते थे। आरोपी का कहना है कि बबलू और सपना ने उसे 40,000 उधार ले रखे थे। इतना ही नहीं, आरोपी ने ये भी बताया कि सपना के साथ उसकी नाजायज ताल्लुक थे और ये सब लंबे समय से चल रहा था। शुक्रवार की रात को आरोपी और उसके जानने वाले कुछ लोग सपना बबलू के फ्लैट पर बैठकर शराब पी रहे थे। हुआ ये कि नशे की हालत में लेन देन की बात छिड़ गई और आरोपी की सपना और उसके पति के साथ कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी के साथ बैठे लोग उतर चले गए। फिर भी झगड़ा चलता रहा। इसके बाद आरोपी ने बबलू के सामने सामने ही बदतमीजी की। फिर मामला इतना बढ़ा कि आरोपी ने गुस्से में आकर तवे से सपना के सर पर वार कर दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने पुलिस को ये भी बताया कि जब उसने सपना के सर पर वार किया तो उसका पति गुस्से में दौड़ा और हाथापाई करने लगा जिससे आरोपी के सर में चोट लग गई। इसके बाद आरोपी ने बबलू को भी तवे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी का कहना है कि वो मौके पर से ही भागने की फिराक में था, लेकिन काफी शोर शराबा होने की वजह से कमरे के बाहर लोग इकट्ठा हो गए जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।